हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जैकपॉट क्लास 8 का अगला वीकली टेस्ट मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला वीकली टेस्ट आप लोगों का 15 जनवरी को होने वाला है। अगर 15 जनवरी को छुट्टी है तो 16 जनवरी को होगा, लेकिन जो वीकली टेस्ट का कैलेंडर है उसमें 15 जनवरी को वीकली टेस्ट होना लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे पीछे हो सकता है आप लोगों का। तो 15 जनवरी यानी कि 15 या 16 जनवरी जब भी होगा वीकली टेस्ट आप लोगों का, उस दिन मैथ का वीकली टेस्ट होगा और साथ में आप लोगों का मैथ के साथ साथ हिंदी का भी वीकली टेस्ट होगा। हिंदी का ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, चेकआउट जरूर करिएगा और सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। और वीकली टेस्ट होने से पहले आप लोगों के लिए और एक सेट मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, दोनों वीडियो को देख लीजिएगा तो आराम से आपका 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आ जाएगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला सेट जब मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन जाए, आप वीडियो को देखकर एग्जाम देने जाए, टेस्ट लिखने जाए तो आपका फुल मार्क्स आ जाए। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण हो सकते हैं। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं, 3, 2, 1 या 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अधिक से अधिक 3 न्यून कोण हो सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, किसी त्रिभुज में कम से कम न्यून कोण हो सकते हैं। कम से कम कितना न्यून कोण हो सकता है, 3, 2, 1, 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कम से कम 2 न्यून कोण तो होना ही चाहिए और अधिक से अधिक 3 न्यून कोण हो सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, किसी समकोण त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण हो सकते हैं। समकोण त्रिभुज में एक तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, तो इधर न्यून कोण इधर न्यून कोण, 2 न्यून कोण हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 2, तीसरा 1, चौथा 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2 न्यून कोण हो सकते हैं अधिक से अधिक एक समकोण त्रिभुज में। फिर देखिए नेक्स्ट अगला चार नंबर, किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण हो सकते हैं। कोई भी त्रिभुज में अधिक कोण कितना हो सकता है, 1, 2, 3 या एक भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1 अधिक कोण हो सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला पांच नंबर, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक बाह्य कोण हो सकते हैं। अधिक से अधिक कितने बाह्य कोण हो सकते हैं, 3, 4, 5 या 6। त्रिभुज में बाह्य कोण कितना हो सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 6 बाह्य कोण हो सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक अंतस्थ कोण हो सकते हैं। अंतः कोण कितने हो सकते हैं, 3, 4, 5 या 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, किसी त्रिभुज में अंतः कोण अधिक से अधिक 3 हो सकते हैं। ये त्रिभुज है, पहला अंतः कोण, दूसरा और तीसरा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सात नंबर का क्वेश्चन है, वेलर सूत्र F+B = E+2 के लिए कोण सही नहीं है। पहला ऑप्शन है F = फलक की संख्या, दूसरा B = बिंदुओं की संख्या, तीसरा E = किनारों की संख्या, चौथा ऑप्शन है 2 संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, B = बिंदुओं की संख्या। B = शीर्षों की संख्या होता है, शीर्षों की संख्या, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा गलत है, यहाँ पर सही नहीं है, उसको चुनना था। तो भी बिंदुओं की संख्या नहीं होता है, शीर्षों की संख्या होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला आठ नंबर का क्वेश्चन है, ओयलर का सही सूत्र क्या है। इसको याद कर लीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में है ये क्वेश्चन। देखिए पहला ऑप्शन है F+B - E = 2, दूसरा ऑप्शन है F - E - 2 = 2, और तीसरा F+E + B = 2, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, F+B - E = 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F+B = E
प्लस टू ऐसे भी लिखा जा सकता है। माइनस सी को बराबर का दूसरी साइड ले जाएंगे तो यहाँ प्लस ई हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी सही है और ऑप्शन नंबर पहला भी सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर की ओर। निम्न में कौन 2D आकृति है, निम्न में कौन 2D आकृति है, घनाभ, आयत, बेलन, शंकु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आयत। आयत 2D आकृति है। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन 2D आकृति का उदाहरण है। सेम क्वेश्चन है 9 नंबर के जैसे, ऑप्शन अलग अलग है, वर्ग, घन, बेलन, शंकु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वर्ग। वर्ग 2D आकृति है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 11 नंबर की ओर। 2D आकृति नहीं है, देखिए 2D आकृतियां नहीं है, त्रिभुज, आयत, वर्ग, घनाभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, घनाभ। घनाभ 3D आकृति है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 12 नंबर, इनमें से कौन एक द्विमीय यानी कि 2D नहीं है, 2D नहीं है, त्रिभुज, वर्ग, आयत, शंकु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिभुज, वर्ग, आयत, शंकु। शंकु शंकु एक 3D आकृति है। ठीक है, 3D आकृति है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से एक त्रिभुज रहेगा, उसमें x का वैल्यू फाइंड करना रहेगा। दिए त्रिभुज में x का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए 120 डिग्री है, यहाँ पर 120 डिग्री है, यहाँ पर 110 डिग्री है, तो यहाँ पर कौन सा कोण होगा बताना है। तो देखिए बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो 120 जोड़ 110 जोड़ x बराबर 360 हो जाएगा। देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, हल कोण ए प्लस कोण बी प्लस जैसे कोण ए जोड़ कोण दो जोड़ कोण एक्स बराबर 360। क्यों? क्योंकि बहुभुज के बाह्य कोण गुण से या त्रिभुज के बाह्य कोण गुण से। तो कोण ए का वैल्यू देखिए 120 है, कोण दूसरा का वैल्यू 110 है, कोण एक्स तो निकालना है, इसलिए 120 जोड़ 110 जोड़ एक्स बराबर 360। 110 120 को जोड़ देंगे तो 230 हो जाएगा, और एंगल एक्स के लिए एंगल एक्स लिख देंगे, 360 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 230 को बराबर का दूसरी साइड ले आएंगे तो -230 हो जाएगा। एक्स इधर है, जिधर बराबर का लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड रहेगा, राइट साइड में 360 है, 360 लिख देना है। फिर देखिए 360 में 230 माइनस करेंगे तो 130 बचेगा। तो इस तरीके से एक्स बराबर 130 डिग्री, यही हमारा आंसर है, एक्स बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। तो इसे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकेंड नंबर, निम्नलिखित आकारों के लिए ऑयलर सूत्र को सत्यापित करें। ऑयलर सूत्र सत्यापित करना है, घनाभ, दूसरा त्रिभुजाकार प्रिज्म। देखिए घनाभ में फलक एफ इजिकल टू 6, घनाभ इस तरीके से रहता है, घनाभ ईट के जैसे रहता है घनाभ। यहाँ पर फलक की संख्या 6 है, शीर्ष की संख्या 8 है, किनारा यानी कि एज हमारा 12 है। अब ऑयलर सूत्र यहाँ पर देखिए एफ प्लस भी, एफ का वैल्यू 6 है तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, भी का वैल्यू 8 है तो 8 लिख देंगे, दोनों के बीच में प्लस है इसलिए प्लस लगा देंगे, जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। अब ई प्लस टू ई का वैल्यू देखिए 12 है, और 2 हम लोग फॉर्मूला से लिखे हैं, जोड़ देंगे दोनों को तो 14 हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या था, एफ प्लस भी इज इक्वल टू ई प्लस 2, यही फॉर्मूला था, बराबर का दोनों साइड इधर भी इसको जोड़े हम लोग तो यहाँ पर 14 आया है, इसको सॉल्व किए तो भी 14 आया है। देखिए सिद्ध हो गया, यहाँ पर सेम लिख देना है इसको, अतः ऑयलर सूत्र सत्यापित हुआ। फिर देखिए नेक्स्ट अगला बी नंबर, त्रिभुजाकार प्रिज्म में फलक 5 है, शीर्ष 6 है और किनारा जो है वो 9 है। एफ प्लस भी, एफ का वैल्यू देखिए 5 दिया गया है, भी का वैल्यू 6 दिया गया है, दोनों को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। फिर ई का वैल्यू 9 दिया गया है, 9 जोड़ 2, ये वाला जो 2 है ये फॉर्मूला से है, दोनों को जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। यहाँ भी 11 यानी कि एफ प्लस भी इज इक्वल टू 11 और ई प्लस 2 इज इक्वल टू 11, दोनों का वैल्यू 11 आया है, अतः ऑयलर सूत्र सत्यापित हुआ। इतना आपको पूरा लिखना पड़ेगा।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर देखिए, समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप ज्ञात करें। PQRS का परिमाप ज्ञात करना, यहाँ पर देखिए 11 सेंटीमीटर इधर 8 सेंटीमीटर, तो ऊपर भी 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए आमने सामने का बराबर हो जाएगा, अतः PQ = RS = 11, यहाँ पर 11 हो जाएगा। फिर QR = PS = 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अतः समांतर चतुर्भुज का परिमाप सबको जोड़ देंगे, 11 + 8 + 11 + 8, बस सिंपल सब भुजा को जोड़ देंगे, यहाँ पर वैल्यू रखे हैं हम लोग, तो 38 आ जाएगा, तो 38 सेंटीमीटर यही इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला चार नंबर की ओर, आकृति में X = ? का मान निकाले, x का मान निकालना है, x यहाँ पर है, यहाँ पर x है। देखिए हल इस प्रकार करना है, कोण A बराबर कोण C बराबर 75, कोण A इसका मतलब कोण A, यहाँ पर देखिए कोण A बराबर कोण C, ये भी बराबर, ये दोनों बराबर हो जाएगा आमने सामने का कोण, और दोनों 75 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम लोग सीधा माने हैं तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ तक हमारा कितना है 75 है, तो 75 जोड़ एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधी रेखा बन रहा है, यानी कि 180 डिग्री सरल कोण बन रहा है। तो देखिए अतः एक्स प्लस 75 डिग्री जोड़ 180 डिग्री रैखिक युग्म से। अब यहाँ पर देखिए एक्स का वैल्यू निकालेंगे, 180 - 75 = 105 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 105 आ गया, यही हमारा आंसर है, 105 डिग्री। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, पाँच नंबर का क्वेश्चन है, आयत के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। आयत के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, इसका आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए 6 नंबर सही गलत है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है, सही और गलत को बताना है। देखिए ए नंबर, सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं, बिल्कुल सही है। फिर देखिए दूसरा, सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। फिर देखिए चौथा, सभी पतंग एक समचतुर्भुज नहीं होते हैं, सभी पतंग एक समचतुर्भुज नहीं होता है, हाँ ये भी सही है, कोई कोई होता है कोई कोई नहीं होता है। फिर देखिए नेक्स्ट ई नंबर, सभी समलंब समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो ये गलत है आपका ई नंबर गलत है। फिर देखिए एफ नंबर, सभी वर्ग समलंब होते हैं, ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, ये भी गलत है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं होना चाहिए था, ठीक है, बट यहाँ पर नहीं है इसलिए गलत हो गया। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछा जा सकता है आप लोगों का एग्जाम में, और मैंने हिंदी का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर सभी वीडियो को देखिए, और टेस्ट से पहले जो वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए उसे देखना मत भूलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, जय हिंद जय भारत।